Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome back once again to the session of Government Schemes. I am Manish Mishra and guys, in today's session I will bring to you two very important schemes jinka naam hai Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. Okay, so guys, these two schemes are really very important and you can expect one or two questions from these two schemes because recently few months back there were some updates in this scheme. Okay, so you can expect some question, one or two or three questions from these two schemes. So let us start with Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, right? So guys, what is Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana? So there are two words, okay? So there are two words, one is Suraksha and one is Bima, okay? One is Suraksha and one is Bima. So what is meant by Suraksha? So Suraksha means safety and Bima, we all know, means insurance, okay? सो इट इज अ सेफ्टी इंश्योरेंस स्कीम. ये बात तो हमें क्लियर होती है. एंड सेफ्टी फ्रॉम वॉट? ओके, सेफ्टी हमें देने के लिए किस चीज से? सो ऑब्वियसली गाइज, सेफ्टी हमें किस चीज से दी जाएगी? फ्रॉम द एक्सीडेंट. सो गाइज, इट इज एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और वैसे इसमें सारे सिटीजन एलिजिबल हैं, बट इसमें फोकस किया जाएगा किनके ऊपर? जो भी वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का. बिकॉज जो नॉर्मल सेक्शन है जिनके पास पैसा है तो अपना इंश्योरेंस खुद करवा सकते हैं, केवल जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं उनके पास इंश्योरेंस वगैरह के लिए पैसे नहीं होते, उनके तक इंश्योरेंस की जो कवरेज है वो नहीं पहुंच पाती है. सो उनको भी इंक्लूड करने के लिए, उस वीकर सेक्शन को भी इंक्लूड करने के लिए दिस स्कीम वॉज लॉन्च, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. एंड देर इज वन मोर स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दैट वी विल डिस्कस लेटर. ओके, सो आई होप द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. इट इज एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम दैट विल बी प्रोवाइडेड to all the citizens with a focus on the weaker sections of the society, right? So I think the objective is clear. And now if you talk about the ministry, so guys, ministry is very much clear, kyunki yahan pe kisi ek specific section ki baat nahi hui hai. Isme sirf ye bola gaya that it is focused on the weaker sections. To weaker sections mein koi bhi aa sakta hai, labor aa sakte hain, mazdoor aa sakte hain, koi MSME ka worker ho sakta hai, koi मनरेगा का वर्कर हो सकता है, कोई फार्मर हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसके अंदर. ओके, सो इसलिए इस स्कीम को किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं डाला है. इसको किसके अंदर रखा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, विच इज हेडेड बाय निर्मला सीतारमन. ओके, एंड आई होप द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो क्लियर. सो दीज थिंग्स आर दैट यू कैन लर्न एफर्टलेसली. इसमें आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड इफ यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी गाइज, सो एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी सिटीजन हो जिसकी एज 18 से 70 के बीच में हो, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज एज इज बिटवीन 18 एंड 70 इयर्स इज एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस स्कीम. ओके, एंड ऑफ कोर्स यू शुड हैव अ बैंक अकाउंट लिंक्ड विद आधार कार्ड. आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक्ड हो. इसके अलावा जो इंश्योरेंस होल्डर होगा हैज टू गिव अ कंसेंट टू ज्वाइन एंड इनेबल ऑटो डेबिट ऑन और बिफोर द 31st ऑफ मे. इसका मतलब यह है कि ये जो स्कीम है ये केवल एक साल के लिए है, यानी कि एक साल के बाद आपको इसको रिन्यू कराना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ इंश्योरेंस स्कीम. सो इंश्योरेंस स्कीम जो है, जैसे कि हम लोग मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें हर साल रिन्यू कराना पड़ता है. ऑलराइट, सो सिमिलरली इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी इंश्योरेंस होल्डर होगा ही विल हैव टू रिन्यू और ही विल हैव टू गिव द कंसेंट फॉर द ऑटो डेबिट ऑन और बिफोर द 31st मे, बिकॉज द स्कीम रिन्यूज इटसेल्फ एवरी ईयर ऑन 1st of June. So the insurance holder has to give the consent, all right? And if you talk about the nominee, so nominee bhi hona chahiye, that has to be provided in the form. Ye to bahut basic si baat hai, because since it is an insurance scheme, so nominee ka hona bahut zaruri hai. So this is the eligibility. I hope aapko eligibility clear hai and dobara se padhne ki zarurat nahi padegi. Isme aapko sirf ek cheez yaad rakhni hai, the age group. Age group is 18 to 70 years, right? Age group is what? 18 to 70 years. एंड बैंक अकाउंट का तो पता ही है, अगर आप इंश्योरेंस स्कीम खुलवा रहे हैं देयर इज एन ऑटो डेबिट प्रोविजन, तो यू शुड हैव अ बैंक अकाउंट एंड दैट बैंक अकाउंट शुड बी लिंक्ड विद द आधार कार्ड. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड आई होप द एलिजिबिलिटी इज क्लियर. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द प्रीमियम. प्रीमियम इज वेरी लेस, ₹12 पर एनम, केवल ₹12 एक साल के देने हैं एज अ प्रीमियम. बहुत ही सस्ता है ये, और इसके सस्ते होने का रीजन ये है कि इसमें जो फोकस है वो किस पे रखा गया है? वीकर सेक्शंस पे. इसके अलावा जो रिस्क कवर होंगे दैट यू शुड रिमेंबर, ये सारे रिस्क आपको कवर याद रखने हैं कि किस किस तरीके के रिस्क इसमें कवर करे जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है देन ₹2 लाख विल बी प्रोवाइडेड टू द इंश्योरेंस होल्डर. ठीक है, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ₹2 लाख विल बी प्रोवाइडेड. अदर देन दिस, if there is a total and irrecoverable loss of sight of one eye or
loss of use of one hand or foot. So in that case rupees 1 lakh will be provided to the insurance holder. Okay, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, टोटल एंड इररिकवरेबल लॉस. रिमेंबर दिस वर्ड, इस वर्ड को आपको याद रखना है, इररिकवरेबल. द लॉस शुड बी इररिकवरेबल. अगर वो रिकवरेबल लॉस होगा देन दिस 1 लाख रुपीज विल नॉट बी प्रोवाइडेड. राइट, सो आई होप आपको इररिकवरेबल वर्ड याद रहेगा, बिकॉज एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए रिकवरेबल वर्ड दिया जा सकता है. सो यू शुड रिमेंबर दैट द लॉस शुड बी इररिकवरेबल. सो इन द केस ऑफ इररिकवरेबल लॉस ऑफ वन साइड और वन हैंड और वन फुट, you will get 1 lakh rupees. And in case of total and irrecoverable loss of both eyes or loss of use of both hands or feet or loss of sight of one eye and loss of use of hand or foot, rupees 2 lakh will be provided. So let me clear you this. Dono aankhe, dono haath ya dono pair. Alright, dono aankhe, dono haath ya dono taang. Both eyes, both hands or both legs. Alright, ye hoga ya fir iske alawa वन आई और वन हैंड. राइट, वन आई एंड लॉस ऑफ यूज ऑफ वन हैंड और फुट. तो इन दैट केस आपको कितना मिलेगा? 2 लाख रुपीज. आई होप इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. लेट मी रिपीट दिस, या तो दोनों आंखें या फिर दोनों हाथ या फिर दोनों फुट. राइट, इसके अलावा एक और चीज है जिसमें कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, और वो क्या है? एक आंख और साथ में लॉस ऑफ यूज ऑफ वन हैंड और फुट. राइट, सो इन दैट केस यू विल गेट रुपीज 2 लाख एज द इंश्योरेंस, as the insurance cover. Okay, and remember very important thing that it is not a mediclaim. Ye mediclaim nahi hai. So if a person met with an accident, then under this insurance scheme your hospitalization reimbursement will not be there. Okay, your hospitalization expenses will not be covered under this scheme. So if it is a not a mediclaim, there is no provision for reimbursement of hospitalization expenses following accident resulting in death or disability. Agar किसी एक पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, इफ अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, देन देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस. ओके, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. ओके, एंड नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द इंप्लीमेंटेशन, कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है. सो इट विल बी ऑफर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड एनी अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट इज एग्रीड अपॉन टू द कंडीशंस ऑफ दिस स्कीम. ओके, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसके अंदर इसको ऑफर कर सकती है, अगर उसको इस स्कीम की जो प्रोविजंस हैं अगर वो मंजूर है तो वो ऑफर कर सकते हैं. सो एनी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड एनी अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी हु आर विलिंग टू ऑफर द प्रोडक्ट ऑन सिमिलर टर्म्स. राइट, इसके अलावा देयर विल बी अ पार्टिसिपेटिंग बैंक दैट विल बी द मास्टर पॉलिसी होल्डर. ओके, एंड देयर विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पार्टिसिपेटिंग बैंक टू रिकवर द एनुअल प्रीमियम. हर साल का जो प्रीमियम है वो रिकवर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी? जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक है उसकी होगी. ओके, सो दिस इज अबाउट द इंप्लीमेंटेशन. एंड नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. आई होप आपको सुरक्षा बीमा योजना क्लियर है एंड देयर आर नो डाउट्स. सो इसको याद रखना बहुत आसान है कि अगर आपको सुरक्षा बीमा योजना समझ में आ गया देन इट इज वेरी इजी टू लर्न दिस स्कीम, टू अंडरस्टैंड दिस स्कीम. ओके, सो दैट वॉज अबाउट द एक्सीडेंटल डेथ एंड दिस इज अबाउट जीवन. जीवन means life and Bima means insurance. All right, so it is a life insurance scheme. This is clear. So objective is clear. Objective is very much clear that this is a life insurance scheme, and under this insurance is provided. Insurance claim is provided on death due to any reason. किसी भी reason की वजह से अगर किसी person की death हो जाती है, then insurance cover will be provided under this scheme. While there is a difference here between PMJJBY and PMSBY. Because in PMSBY only accidental death पे cover provide कराया जाएगा, not due to any reason. But in PM जीवन ज्योति बीमा योजना the cover will be provided on death due to any reason. Okay, so remember this thing. And ministry guys clear है, ministry of finance है, headed by निर्मला सीतारमन. Because again यहाँ पे किसी एक particular society section of the society की बात नहीं हुई है, सबके लिए है, सब सारे weaker sections को इसके अंदर cover किया जाएगा. So it is not under a particular ministry. So it is under Ministry of Finance. And अगर आपको यह याद है that सुरक्षा बीमा योजना अगर Ministry of Finance में है, then it should also be under the Ministry of Finance. Okay? And now let's talk about the things that you have to remember. So इसमें भी जो eligibility age है that is 18 to 50 years. Okay? इसमें 18 से 50 है. Remember यहाँ पे आपको confuse नहीं होना है. सुरक्षा बीमा योजना में the age was 18 to 70 and Jeevan Jyoti Bima Yojana mein the age is 18 to 50. So remember this thing, you have to remember this, don't confuse it.
डोंट कंफ्यूज बिटवीन द एज एलिजिबिलिटी. इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है. यू शुड हैव अ बैंक अकाउंट दैट इज लिंक्ड विद आधार कार्ड. एंड इंश्योरेंस होल्डर हैज टू गिव कंसेंट टू जॉइन एंड एनेबल द ऑटो डेबिट ऑन और बिफोर द 31st May. एंड इसके अलावा नेम और नॉमिनी तो होना ही चाहिए. सो एवरीथिंग इज सेम इन इन द एलिजिबिलिटी ऑफ PMSBY एंड JJBY एक्सेप्ट द एज. इन JJBY इट इज 18 to 50 एंड इन SBY इट वॉज 18 to 70. राइट. एंड प्रीमियम यहां पे है गाइस. One second. I think there is a mistake. This is not 12 per annum. This is rupees 330 per annum. Alright. इसमें कितना है प्रीमियम? 330 rupees का प्रीमियम है. तो remember this कि इसमें प्रीमियम कितना है 330 का और उसमें कितना था सुरक्षा बीमा योजना में rupees 12 per annum. अब यहाँ पे confusion होती है students के अंदर कि हम SBY के प्रीमियम और JJBY के प्रीमियम को confuse होने से कैसे दूर करें. So remember one thing. जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो आपको कवर दे रही है ड्यू ऑन द डेथ ड्यू टू एनी रीजन. ओके. सो एनी रीजन यानी कि इसका जो कवरेज है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू द सुरक्षा बीमा योजना बिकॉज इट इज ओनली कवरिंग द एक्सीडेंटल डेथ. ओके. सो इसका प्रीमियम भी क्या होगा? ज्यादा होगा. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम्स ऑफ SBY एंड JJBY. सो SBY JJBY का प्रीमियम कितना है गाइस? 330 पर एनम. वाइल जो SBY का प्रीमियम था दैट वॉज रुपीज 12 पर एनम. राइट. One second, guys. Alright. So benefit इसके अंदर भी कितना है? Life cover है 2 lakh rupees का. इसमें 2 lakh रुपए का insurance cover दिया जाएगा अगर किसी person की death हो जाती है and due to any reason death का इसमें provision है. Alright. इसको implement करने का काम किसका है? Life Insurance Corporation LIC का. और उसके अलावा कोई भी insurance company जिसको कि इसकी terms and conditions मंजूर है they can also implement this scheme. Okay. So I hope guys आपको ये चीजें clear हो रही हैं and there are no problems and now let's move on to the updates. Converged PMJJBY / PMSBY. इसका पूरा नाम है Converged PMJJBY / PMSBY. So एक स्कीम हुआ करती थी जिसका नाम था आम आदमी बीमा योजना. Right? The name of the scheme was आम आदमी बीमा योजना which was earlier under the Ministry of Finance. Okay? But after 2017, in fact since 2017 this scheme आम आदमी बीमा योजना has been transferred to Ministry of Labour and Employment from the Department of Financial Services which is under the Ministry of Finance. Right? So I hope आपको ये difference समझ में आ रहा है that आम आदमी बीमा योजना जो है वो transfer कर दी गई since 2017 from the Department of Financial Services Ministry of Finance to the Ministry of Labour and Employment. Okay? And इसके अलावा remember one more thing that benefits and premium जो होंगे that will be paid by the Ministry of Finance. Okay? Remember कि इसमें जो benefits है और जो premium है वो pay किए जाएंगे by the Ministry of Finance but this scheme will be implemented by the Ministry of Labour and Employment. Which scheme? Converged PMJJBY / PMSBY. Right? Remember this thing guys because अगर हम individually बात करते हैं JJBY की that it will be implemented by Ministry of Finance. SBY की बात करेंगे it will also be implemented by Ministry of Finance. But if you talk about converged PMJJBY and PMSBY then it will be implemented by Ministry of Labour and Employment. Right? और benefits और premium जो है वो pay किए जाएंगे by the Ministry of Finance but the implementation duty will be of the Ministry of Labour and Employment. अब यहाँ पे ये वाला जो point है that is very important ये आपको याद रखना है. जो भी existing beneficiary थे आम आदमी बीमा योजना के okay? आम आदमी बीमा योजना की जो एज लिमिट थी दैट वॉज 18 to 59. ओके. सो जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज थे उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. वन ग्रुप वॉज द एज फ्रॉम 18 to 50. एक ग्रुप था फ्रॉम 18 इयर्स टू 50 इयर्स और जो सेकंड ग्रुप था वो था 51 से 59 इयर्स ऑफ एज का. ओके. दो ग्रुप में बना दिया गया. एक ग्रुप में उन लोगों को डाला जिनकी एज थी 18 to 50 और दूसरे ग्रुप में उनको डाला जिनकी एज थी 51 to 59. ओके. और जो फर्स्ट ग्रुप था ये वाला 18 टू 50 इयर्स वाला जो फर्स्ट ग्रुप था उसको कन्वर्ज कर दिया अंडर द बोथ द स्कीम्स PMJJBY एंड PMSBY एंड उसका नाम क्या रखा गया? कन्वर्ज्ड PMJJBY / PMSBY. राइट. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. द फर्स्ट ग्रुप दैट इज ऑफ द एज ग्रुप 18 टू 50 इयर्स वाज मर्ज्ड अंडर बोथ द स्कीम्स PMJJBY एंड PMSBY एंड रीनेम्ड एज कन्वर्ज्ड PMJJBY / PMSBY. ओके. और जो सेकंड ग्रुप था सेकंड ग्रुप दैट विल कंटिन्यू इन द एग्जिस्टिंग फॉर्मेट ऑफ द आम आदमी बीमा योजना. जो आम आदमी बीमा योजना का जो भी फॉर्मेट था वो उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू रखा गया. ओके. एंड नाउ अगर
जो 18 टू 50 वाले थे उनको कन्वर्ज्ड पीएमजेजेबीवाई और एसबीवाई बनाया गया, देन व्हाट विल बी द प्रीमियम इन दैट केस? सो गाइस, सिंस दिस इज अ कन्वर्जेंस ऑफ पीएमजेजेबीवाई एंड पीएमएसबीवाई, इन पीएमजेजेबीवाई वी हैव अ प्रीमियम ऑफ 330, व्हाइल इन सुरक्षा बीमा योजना वी हैव अ प्रीमियम ऑफ 12 रुपीज पर एनम. सो इन द केस ऑफ कन्वर्ज्ड पीएमजेजेबीवाई / पीएमएसबीवाई we have a premium of ₹342 which is the sum of 330 and 12. Okay, so I hope aapko ye premium clear hai. And now there is one question that comes into your mind ki agar kisi person ki death ho jati hai, okay, agar kisi person ki death ho jati hai due to any reason except accident, agar accidental death nahi hai aur wo converged PMJJBY SBY ka part hai, to agar uski kisi bhi reason se death hoti hai, then how much insurance cover will he get? So he will get ₹2 lakh. He will get ₹2 lakh. 2 lakh rupees किसके अंतर्गत? PM प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत. But if a person dies due to accident, so in that case he will get the insurance cover of 4 lakh, because जो accidental death है that is covered by PM सुरक्षा बीमा योजना and प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में तो death due to any reason cover होता है. Okay, so I hope आपको ये चीज clear है. If a person dies due to any reason, then he will get the cover of 2 lakh rupees that is provided by Jeevan Jyoti Bima Yojana. And if a person dies due to accident, then he will get an insurance cover of rupees 4 lakh that is provided by both PMSBY and PMJJBY. Okay, so I hope aapko ye jo converged PMJJBY aur SBY hai clear hai, and isme se you can expect a question in your exam. All right, and now guys, I hope aapko ye pura ka pura scheme clear hai and there are no doubts. So if still you have any doubts, you can ask me in the comment section. And now let's move on to the question जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मच प्रीमियम हैज टू बी पेड अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. सो अभी हमने पढ़ा था सुरक्षा बीमा योजना में क्या होता है, कम मतलब केवल ये एक्सीडेंट को कवर करता है, और जो जीवन ज्योति बीमा योजना होता है दैट कवर्स डेथ ड्यू टू एनी रीजन. सो इसका जो कवरेज ज्यादा है, इसका कवरेज कम है, इसका मतलब इसका जो प्रीमियम है वो कम होगा, यानी कि ₹12 पर एनम इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए, ₹12 पर एनम. And question number 2, if a person loses his one eye after an accident who was enrolled under PMSBY, how much benefit will be provided to him? Kitna insurance cover usko milega? So I have told you that agar there is a loss of one eye and that loss should be irrecoverable, remember this, then the person will get ₹1 lakh as the cover. But if the person loses both the eyes, then he will get ₹2 lakh as the insurance cover. Okay, and question number 3. Question number 3 is under the converged PMJJBY / PMSBY, which age group from the erstwhile beneficiaries of AABY was merged? जो पहले वाले AABY थे यानी आम आदमी बीमा योजना के, कौन से एज ग्रुप को कन्वर्ज PMJJBY SBY में रखा गया? सो इसमें दो ग्रुप बनाए गए थे गाइज, एक था 18 टू 15 A50 एंड एक था 51 टू 59. So, जो 18 टू 50 एज ग्रुप वाले थे that was converged into PMJJBY and PMSBY. So, therefore, the correct answer should be what? Option D, 18 to 50 years. And question number 4 is, how much is the premium under converged PMJJBY and SBY? So, since it is a converged scheme of both PMJJBY and SBY, so the premium should be 330 plus 12, yani ki 342 per annum. Option E, ₹342 per annum is the correct answer. And question number 5, the last question, which ministry is implementing the schemes PMJJBY and PMSBY? So remember this, agar converged PMJJBY and SBY ki baat kari jayegi, then that is implemented by Ministry of Labour and Employment. But here we are talking about individual PMJJBY and SBY. So these two schemes are being implemented by the Ministry of Finance. Option B is the correct answer. Okay, and guys, that's it for the session today. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. And for more sessions like this, do buy our paid courses of RBI SEBI, NABARD and UGC NET. Thank you so much for watching. Milte hain kal ke session mein. Kal ka bhi ek aur session hoga government scheme ka. So now we'll have 2 sessions in a week. Okay, thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.